सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू एक्सीडेंटल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आजकल काउंसलिंग नीट का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ज्यादातर लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं जिनका कट ऑफ रेंज 300 के अराउंड लाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक और स्टेट ऐसी बताने वाली हूँ जो यूपी के अलावा, जो कि एक ओपन स्टेट है, जहां पे अगर आपका स्कोर 300 के अराउंड लाई कर रहा है तो आप डेफिनेटली वहां ट्राई करो। बहुत से लोगों को स्टेट के बारे में पता नहीं है तो सब यूपी में ही ट्राई करते हैं, लेकिन ये स्टेट भी एक आपका बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि कॉलेज भी अच्छे हैं वहां पर और कट ऑफ भी आपके रेंज में लाई करती है और बजट भी उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब ज्यादा भी नहीं है जितना यूपी में है उसके अराउंड ही है। तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। साथ ही में अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपको और क्वेरीज हैं, आप हमारे प्लान्स और सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो, आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां पे हमको मैसेजेस कर सकते हो जिससे कि हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे और आपसे बात करेंगे। सो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे। जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है। अभी हमने एक और स्टेट, हम एक्चुअली यही आपको बताना चाह रहे हैं कि और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। सिर्फ यूपी एक ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो बजट के अराउंड। तो जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसके सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हम डिस्कस कर लेंगे और उनकी कट ऑफ और साथ में उनका फी स्ट्रक्चर और उसकी एस्टैब्लिशमेंट। सो सबसे पहले जो हम कॉलेज आज डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, वो है जगन्नाथ गुप्त मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलकाता में है, प्रॉपर कैपिटल सिटी है, और इसका जो राउंड वन का कट ऑफ जाता है वो 348 जाता है। तो आपको अच्छा लगेगा कि जो 300 के अराउंड स्कोर बच्चे कर रहे हैं वो जरूर यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और इसकी फीस भी, जो टोटल अराउंड फीस है, रेंज रहता है वो 70-80 लाख का बजट आपको, अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली यहाँ ट्राई कर सकते हो। और इसकी सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी 150 हैं, यहाँ पे कट ऑफ 348 है। तो दिस इज वन मेडिकल कॉलेज और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2018 में, तो ज्यादा पुराना तो नहीं है, बट आपके कट ऑफ और बजट के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है। उसके बाद सेकेंड है श्री रामकृष्ण शंकर, जो कि दुर्गापुर में है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2019 में हुआ था। जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ जाती है वो 303 जाती है, तो आप देखो कि इसकी कट ऑफ तो 348 वाले जो पहला हमने डिस्कस किया उससे भी कम है। तो 300, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 300 से लेके जो जिनकी कट ऑफ आ रही है वो यहाँ जरूर ट्राई कर सकते हैं जिनका स्कोर 303 के अराउंड है। और इसका जो बजट रहता है वो 80-85 लाख के बीच में इसका बजट रेंज है। अगर आपको एग्जैक्ट फी डिटेल्स और कॉलेजेस की डिटेल्स जानी है तो आप हमको हमारे प्लान्स और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जो कि हम आपको इंस्टाग्राम पे हमको डीएम करिए, मैसेजेस करिए, जिससे कि हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। और साथ में इसमें भी 150 सीट्स हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है दैट इज ICARE, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि हल्दिया में है, और इसमें जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 2011 का है, तो कॉलेज पुराना है, और इसकी जो कट ऑफ है राउंड वन की वो 321 जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ भी 300 के रेंज में है और जो इसका बजट है वो भी 80-85 लाख की रेंज में जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट कॉलेज का हुआ था 2011 में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कॉलेज पुराना है। लेकिन सीट्स इसमें सिर्फ 100 सीट्स है, लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर कर सकते हो और जरूर अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉलेज है वो IQCity इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है, जो कि आपका दुर्गापुर में है, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2013 में, सीट्स इसमें 150 है, जो कि अच्छी बात है, और इसकी कट ऑफ जो जाती है राउंड वन में दैट इज जो 366 मार्क्स के पे मिला था, ये राउंड वन में इसकी कट ऑफ गई थी, और आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें दैट इज योर गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसमें भी सीट्स 150 है और इसकी कट ऑफ राउंड वन में जाती है 349, ठीक है, और इसका बजट भी 80-85 लाख
के बीच में रहता है और एग्जैक्ट फी डिटेल्स हम आपको बता सकते हैं। उसके बाद सेवेंथ है शांति निकेतन कॉलेज जो कि बद्दरपुर में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2021 में हुआ था। ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है लेकिन सीट्स 150 है और इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 317 पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और ये सारे कॉलेजेस हमने डिस्कस किए और उसके बाद जो एक लास्ट मेडिकल कॉलेज है दैट इज जो KPC जादवपुर, ये काफ़ी डिमांड में रहता है क्योंकि पुराना कॉलेज है। एस्टैब्लिशमेंट इसका 2008 में हुआ था, सीट्स इसमें 150 हैं। राउंड वन में जो इसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा थोड़ी जाती है, ये थोड़ा हाई वाली रेंज का कॉलेज है। अगर आपका स्कोर इसमें लाई करता है तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हो। दैट इज 546 मार्क्स, ठीक है। लेकिन इसकी फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, सिर्फ 50 लाख्स में आपका इसकी फी रेंज है, तो आप वो जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी जो आपकी वेस्ट बंगाल स्टेट है उसमें आपके जो कॉलेज में हॉस्टल्स कंपल्सरी रहते हैं और बैंक गारंटी रिक्वायर्ड होती है, और उसके बाद राउंड वन में कॉलेज की काउंसलिंग से आउट हो सकते हैं। ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। बाकी और अगर आपको इस कॉलेज इस स्टेट के कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो जिससे कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो और ऑल द बेस्ट।